हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में दोस्तों प्रीवियस दो वीडियो के अंदर अपनों ने एसएएस पार्ट वन का जो एग्जामिनेशन हुआ था हमारा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मई 2023 के अंदर जो कंडक्ट हुआ था, उसके पेपर नंबर वन के बारे में चर्चा अपने कर रहे थे। तो इसमें दोस्तों पेपर नंबर वन जो है इसका, उसके अपनों ने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो आज अपने दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 ओन आगे डिस्कस करेंगे। और आज दोस्तों थोड़ा सा स्पीड अपने पकड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम से कम आज 50 सवाल तक क्या है इसमें कंप्लीट करवा दूँ, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 25 नंबर सवाल अपनों ने कल देख लिया था, राइट। हु इज़ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सीएसटी। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की जब भी बात करेगा दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफेंस सेक्रेटरी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला चलते हैं अपने 26 नंबर सवाल पे। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू अग्निपथ स्कीम। तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बारे में सबको पता है, लेकिन कुछ जो माइन्यूट डिटेल्स जो हैं इसकी, वो शायद आपको ना पता हो। तो इसमें अपने 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर में क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स अप टू 25% अग्निवीर्स विल जॉइन द रेगुलर कैडर, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या है कि जो डिफेंस का पेंशन और इसका जो सैलरी का पेंड अलाउंसेस का बजट को कम करने के लिए अग्निपथ स्कीम जो है वो लागू करी थी। उसके अंदर जो रिक्रूट्स होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा, ठीक है, सबको पता है ये। तो उसके अंदर दोस्तों मान लो 100 लोग हुए, तो इसके अंदर 25% जो क्या है वो रेगुलर आर्मी सर्विस के अंदर ज्वाइन कर ले, 75% जो है उनको कुछ अमाउंट दे के, लमसम अमाउंट दे के वापिस क्या है भेज दिया जाएगा। तो ये बात तो एकदम सही है, 3 नंबर स्टेटमेंट तो हमारी कि हाँ 25% अग्निवीर जो है वो ज्वाइन करेंगे रेगुलर कैडर को, ठीक है, 3 नंबर बात मेरी सही है। दूसरा दोस्तों, इट इज़ डिज़ाइंड टू अटेन अ यूथफुल प्रोफाइल ऑफ द आर्मड फोर्सेस। बेसिक सी बात है दोस्तों, जो 4 साल के लिए इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा और बहुत ही कम एज के जो इसके अंदर जाएंगे सोल्जर्स, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी आर्मड फोर्सेज होंगी वो यंग होगी, यूथफुल होगी, ठीक है, यूथफुल प्रोफाइल होगी। 2 नंबर बाद भी एकदम सही है। पहला देखते हैं दोस्तों, इट इज़ ओपन टू मैन एंड वुमेन बिटवीन 18 to 21 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जो आप सर्च करोगे इसको तो इसके अंदर जो एज दी गई है वो है 17.5 साल से लेकर 21 साल, कि इस उम्र के बीच के लोग जो हैं मैन एंड वीमेन जो हैं वो इसके अंदर रिक्रूट होंगे 17.5 से लेकर 21 तक, 17.5 to 21। और दोस्तों जो 2022 का रिक्रूटमेंट जो है, जो 2022 के अंदर भर्ती जो हुई थी, उसको 21 साल को 23 साल कर दिया था, 1 साल के रिक्रूटमेंट के लिए इस एज को, ठीक है। अब दोस्तों सवाल जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है 18 to 21, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों 17.5 से 21 तो नहीं लिखा, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है गलत हो सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है, या इसको आप सही भी मान सकते हो कि 18 से 21 जो क्या है वो तो 17.5 से 21 के बीच में ही है, ठीक है, तो गलत भी नहीं बोल सकते इसको, राइट। लेकिन दोस्तों क्या गलत हो सकती है, क्योंकि इसकी एज जो है वो 17.5 से 21 साल है, राइट। क्योंकि दोस्तों जब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं जैसे, तो उसके अंदर क्या है, जो हमें रीजनिंग का ही यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे कि जो हमें डेटा दिया गया है ओनली अपने उसी पे दिमाग लगाएं कि हाँ 18 से 21 है, नहीं ये तो गलत है, 17.5 से 21 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या है, आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो क्या है वो ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्या है गलत है, ठीक है। तो इसको दोस्तों दोबारा सुनिए एक बार, जो 18 से 21 है ये 17.5 से 21 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, दूसरी यूथफुल प्रोफाइल वाली सही है, और 25% जो क्या है रेगुलर कैडर ज्वाइन करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, इसने करेक्ट ही पूछा है, विच ऑफ द अबव इज़ करेक्ट, राइट। अगले चलते हैं अपने 27 नंबर सवाल पे, कंसीडर द फॉलोइंग अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले तो क्या है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है ये क्या है, और दूसरा क्या है इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट। तो देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी एंड प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एंड ऑल सच एक्ट्स एज मे बी कंड्यूसिव इन टर्म्स ऑफ वार टू इट्स प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर इट्स टर्मिनेशन टू इफेक्टिव डीमोबिलाइजेशन, विच डिपार्टमेंट अंडर MOD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबव वर्क, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर जो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, रक्षा नीति और रक्षा तैयारियों समेत भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना,
सभी ऐसे कार्य करना जो युद्ध के संबंध में उसकी तैयारियों और उसके समापन पर प्रभावी रूप से लामबंदी बंद करें में सहायक हो। उपयुक्त कार्य के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग उत्तरदायी है? ठीक है, तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के पाँच विभाग अपनों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, DOD है एक, तो फिर दूसरा DMA है, फिर तीसरा DDP है, ठीक है, चौथा कौन सा, तो DDRND है, पांचवा है आपका DESW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, राइट, ये पांच डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये तो IHQ ऑफ MOD आर्मी, इसको तो अपने काट ही देते हैं कि उसने डिपार्टमेंट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने दिमाग नहीं लगाया कि ये तो डायरेक्ट ही काट देंगे। अब दोस्तों तीन बचे हैं आपके, DMA, DOD और DDRND। DDRND के अंदर दोस्तों क्या है आपका, ओनली जो रिसर्च से संबंधित बातें जो हैं, लैब्स वगैरह जो हैं लैब DRDO की, उनकी बात ये करता है। DMA के अंदर दोस्तों जॉइंटनेस है, इंटीग्रेशन है तीनों सेनाओं के बीच के अंदर, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, CDS इसके हेड होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ बातें हैं, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब दोस्तों इसकी अथॉरिटी आपको कैसे मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, जो आपको MOD की वेबसाइट के साथ, MOD की वेबसाइट जो क्या है आपको देखनी आनी चाहिए। और ये चीज़ें दोस्तों क्या जनरली हमें पता नहीं होती और हमें कोई बताता नहीं है कि MOD की वेबसाइट, क्वेश्चन में तो दे दिया लेकिन MOD की वेबसाइट में कहाँ पे कौन सी चीज़, क्योंकि MOD की वेबसाइट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन हमारे काम के कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक मैंने दोस्तों आपको कल बताया था एनुअल रिपोर्ट के बारे में, एक दोस्तों आपको बताता हूँ एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के बारे में, कि ये दोनों चीज़ें तो कम से कम कंठस्थ होनी चाहिए और इनसे जो क्या है बहुत सारे सवाल इस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट ईयर जब भी या कभी भी एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा, तो MOD की वेबसाइट से दोस्तों ये सब चीज़ें आपको क्या याद होनी चाहिए। तो मैं अब लेके चलता हूँ आपको MOD की वेबसाइट पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गूगल में क्या MOD टाइप किया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे पहले आप इसकी क्या आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट्स कहाँ मिलेगी, आपको पब्लिकेशंस के अंदर मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी आगे इसमें से आप लेटेस्ट जो है वो डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको पढ़नी है, जैसे 2021-22 लेटेस्ट दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर में दोस्तों 2022-23 आ जाएगी तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ इसमें और देखनी है आपको, इसके अंदर है एक अबाउट अस के अंदर। ठीक है, अबाउट अस के अंदर दोस्तों आप क्लिक करोगे, अबाउट अस के अंदर आप क्लिक करोगे तो इसमें है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, मतलब MOD के दोस्तों जो भी डिपार्टमेंट हैं उनको क्या क्या बिजनेस अलॉट किया गया है, बिजनेस बोले तो उनको क्या क्या काम अलॉट किए गए हैं उसके बारे में क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल में डिस्कशन है। हमारे पास दोस्तों जो किताब है, हमारे पास दोस्तों जो बुक है, उसके अंदर क्या है पूरी फुल्ली जानकारी नहीं है इन चीज़ों की। ठीक है, पूरी जानकारी क्या है उसमें नहीं है, हमारे पास जो किताब है पुरानी किताब है, राइट, तो इसकी दोस्तों लेटेस्ट जानकारी जो है ये वाली आपको देखनी है। कोई भी दोस्तों किसी के भी नोट्स, किसी की भी PDF या किसी भी कोई भी PPT देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इधर आओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर। एक दोस्तों आप इसमें क्या है अपना एनुअल रिपोर्ट देखो, ठीक है, पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट देखो। दूसरा दोस्तों क्या है आपको अबाउट अस के अंदर जाके आपको ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स देखने हैं। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स पे मैंने क्लिक कर दिए तो ये आ गया आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर, ये सारी PDF आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों सारे जो भी विभाग हैं MOD के, ठीक है, जितने भी विभाग हैं, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में कुछ बता दिया, फिर DOD, DMA, ये DDP डिफेंस प्रोडक्शन और DDRND और दोस्तों DESW, इनके हिंदी में भी नाम दे रखे हैं। DOD का है रक्षा विभाग, फिर है दोस्तों DMA डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर मतलब सैन्य कार्य विभाग, फिर आगे रक्षा उत्पादन विभाग, फिर आगे रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उसके बाद आगे दोस्तों पूर्व सेनानी कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं इधर ये डाउनलोड्स के अंदर, इन सब का डाउनलोड करके, या आपको ये चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों आपको कंठस्थ होनी चाहिए, और इसमें से कम 4 से 5 सवाल जो हैं इस पूरे SSCBT 2023 के अंदर पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या था, कि हमारा क्वेश्चन कहा था दोस्तों आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये था कि डिफेंस ऑफ इंडिया और ये सारा जो काम है ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, ये लाइन थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी एंड प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस बजट, मतलब ये सारा काम कौन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं इसने बता भी दिया यहाँ पे, राइट। तो अपने चलते हैं वहाँ।
तो अपने देखते हैं वहाँ पे जाके, अपने देखते हैं दोस्तों वहाँ पे जाके एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर जो आपका कौन सा विभाग जो है ये काम करता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है आपका, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है सबसे पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। इसका ये डाउनलोड करते हैं अपने पीडीएफ इसका, तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब देखोगे तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय आ गया आपका, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग आ गया। तो इसके अंदर पहला पहला जो लाइन दी गई है वो यही दी गई है, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी एंड प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एंड ऑल सच एक्ट्स एज मे बी कंड्यूसिव इन टाइम्स ऑफ वार टू इस प्रोसिक्यूशन आफ्टर इस टर्मिनेशन, ठीक है। तो मतलब वो सेम लाइन इसने दे दी, तो मतलब ये किसका काम है, डीओडी का। तो आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका डीओडी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे काम है इसके, द रिजर्व्स ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो आप ये नेशनल कैडेट कोर्प्स, रिमाउंट्स, वेटनरी, ठीक है। तो ये सारा काम जो है आपका डीओडी करता है, ठीक है। अब की बार दोस्तों डिफेंस ऑफ इंडिया ये वाला पूछ लिया, मान लो कल को ये आपसे पूछ ले, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के अंदर ये पूछ ले मान लो कि एक्विजिशन, रिक्विजिशन, कस्टडी, रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फॉर डिफेंस पर्पज, एवोकेशन ऑफ, मतलब ये सारा काम कौन करता है, ठीक है। या मान लो कोई और आपसे पूछ ले कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करेगा आपका, ये सारा काम जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करेगा, रक्षा विभाग करेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया इसमें मोटा मोटा कि एमओडी की वेबसाइट के अंदर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एज वेल एज द एमओडी रिपोर्ट यू हैव टू रीड आउट, ठीक है। इन दोनों को आपको पढ़ना है, बाकी दोस्तों सबके आप डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डाउनलोड करके देखें आपने, तो इसको जब देखोगे तो इसके अंदर ये सारे इसके बता दिए विभाग, ठीक है, इनको एक साथ बता दिया सबको, राइट। ये देखोगे तो सारे विभाग बता दिए इन्होंने, इनका क्या क्या काम है, DESW आ गया ये, राइट। तो अब दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का काम ये वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों 28 नंबर सवाल पे, व्हाट वाज द थीम ऑफ 12th डिफेंस एक्सपो हेल्ड एट गांधीनगर बिटवीन 18 से 22 अक्टूबर 2022। तो ये तो दोस्तों करंट जीके का सवाल है डिफेंस से रिलेटेड। अब मतलब ये है कि दो चार सवाल जो क्या है वो करंट जीके से भी पूछेगा आपसे, ठीक है। अब तो देखिए दोस्तों मई 2023 के अंदर पेपर था, राइट। तो मान सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 और 3 8, लगभग दोस्तों पिछले एक साल की आपको क्या है डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जो मेन चीज़ें थी, ठीक है। जैसे ये डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ तो इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, पाथ टू प्राइड, सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसका ये होगा, अगर किसी ने करंट न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है, तो ये आंसर उसको पता होगा, वरना फिर इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल सा है। आगे चलते दोस्तों 29 नंबर पे अपने देखते हैं क्या है, मैच द फॉलोइंग आपको मैच करनी है। तो इसके अंदर आपको कुछ ये वेपन्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, कुछ मिसाइल्स हैं ये। इसके बाद दोस्तों इनको क्या है मैच करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मतलब आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको खुद को हैरानी होगी कि एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम करे हैं और इस प्रकार से क्या है आपको उलझाने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर दोस्तों इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, रुस्तम 2 जो है ये मल्टी मिशन अनमैंड एरियल व्हीकल है, निर्भय 200 लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, अग्नि 5 दोस्तों लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और नाग दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों ये ऑलरेडी मैच्ड ही हैं, इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, कि जो सही है वो उसके सामने लिखा हुआ है। और दोस्तों कोई भी मान लो किसी को अगर तुक्का लगाना हो, किसी को दो चीज़ें एक चीज़ें पता हो, राइट, तो भी क्या है दोस्तों वो इसमें अटक सकता है। जैसे कोई ऐसा सोच ले मान लो पहले का डी होगा, ठीक है, तो उसका गलत हो जाएगा, और इसका आंसर कितना होगा दोस्तों आपका डी होगा, पहले का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, मतलब जिसको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि रुस्तम 2 क्या काम आएगी, निर्भय की क्या काम आती है, अग्नि नाग क्या है, ये वही क्या है इसका आंसर दे सकता है। इसमें आप तुक्का भी नहीं अपना सकते, तुक्का दोस्तों मान लो इसमें अपनाना होगा तो अपने कैसे अपनाएंगे, कि जनरली क्या है हम देखते हैं दो ऑप्शन सेम कौन से हैं, कि आप देखोगे दो में क्या पहले में डी है, ठीक है। जनरली दोस्तों ऐसे सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, पहले में डी है तो इसमें आप जाओगे, फिर देख सकते हो आपकी
सेकंड में सी, और अब इसमें सोचोगे कि यार इनमें से कोई एक हो जाएगा राइट, तो वो सब चीज़ें नहीं है, इसकी जगह सही दिया गया है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 30 नंबर सवाल पे। 30 नंबर सवाल में क्या बोला गया है नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 30 नंबर सवाल अपने देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द ऑपरेशन थ्रू विच इंडियन एयरफोर्स इवैक्यूएटेड इंडियन नेशनल्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन रशिया वार सबको पता है ठीक है, तो उसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स ने जो इंडिया के लोग वहाँ पे थे उनको कैसे निकाला था ठीक है, कुछ ऑपरेशन दे के नाम निकाला था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था राइट। तो इसका दोस्तों आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी नंबर, ऑपरेशन गंगा करके था, जिससे क्या है उनको भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकाला गया था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा ऑपरेशन गंगा बी। 31 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द DAD, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन नहीं है। तो ये दोस्तों OM1 से आपका पूरा सवाल है, OM1 का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है, OM के अंदर दोस्तों 4-5 चैप्टर ही हैं OM1 के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर OM1 एक चार छः नौ या दस ऐसे करके 4 या 5 चैप्टर ही हैं ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कि DAD का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस पर्टेनिंग टू आर्मर्ड फोर्सेज, जो भी दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेज को पेमेंट करनी है ठीक है, जो भी चार्जेस हैं उनकी पेमेंट करनी है, तो ये तो हमारे DAD का काम है, ये तो सबको पता है ठीक है। ऑडिट अकाउंटिंग पेमेंट फाइनेंशियल एडवाइस ठीक है, रिलेटेड टू द आर्मर्ड फोर्सेज डिफेंस सर्विसेज एज वेल एज टू द एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है, MES से संबंधित भी अपने पेमेंट करते हैं राइट, और भी दोस्तों जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो है डिफेंस को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके भी अपने पेमेंट से संबंधित काम करते हैं, कोस्ट गार्ड वगैरह से भी। दूसरा दोस्तों अकाउंटिंग ऑफ ऑल रिसिप्ट्स पर्टेनिंग टू द डिफेंस सर्विसेज, दोस्तों जो भी डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं उनकी अकाउंटिंग करने का काम भी किसका है, हमारे DAD का है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कोई भी डिफेंस की रिसिप्ट है, रिसिप्ट कौन सी होगी, MRO की होगी ठीक है। MRO दोस्तों जो भी भरा जाता है वो क्या है, डिफेंस की रिसिप्ट ही तो है। मान लो कोई भी गेस्ट रूम है ठीक है, कोई भी एक्स लोकेशन पे कोई भी यूनिट कंसर्नड या किसी के द्वारा गेस्ट रूम चलाया जा रहा है, उसके अंदर दोस्तों गेस्ट रुकते हैं, तो वो गेस्ट रुकेंगे तो कुछ मिनिमम चार्जेस वहाँ पे उनको देना पड़ेगा, तो वो दोस्तों पैसा जो है गवर्नमेंट अकाउंट में MRO के थ्रू जमा करवाया जाता है, तो वो डिफेंस की क्या हो गई, डिफेंस ने दोस्तों उनको सर्विस दी, डिफेंस के गेस्ट हाउस ने उनको सर्विस दी, तो वो क्या है पैसा आएगा, तो पैसा दोस्तों MRO के जरिए गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द रिसिप्ट्स पर्टेनिंग टू द डिफेंस सर्विसेज। तो उसका दोस्तों अकाउंटिंग करने का काम भी हमारे ही डिपार्टमेंट का है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने, इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एयरफोर्स, दोस्तों एयरफोर्स जो है क्या करते हैं, उनके स्टोर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ठीक है, तो उसकी इंटरनल ऑडिट का काम कौन करेगा, उसकी इंटरनल ऑडिट का काम करने दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो ये दोस्तों आपको 3 नंबर की अथॉरिटी बता देता हूँ, इनकी अथॉरिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है, किताब में जगह जगह लिखा हुआ है ठीक है, बेसिक सी बातें हैं राइट। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए और बी ऑप्शन तो कोई इजीली देख लेगा, सी और डी में उसको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सी की अथॉरिटी मैं आपको बता देता हूँ। पैरा नंबर दोस्तों 3 में जाओगे जब आप OM1 के चैप्टर नंबर 1 में, OM1 के दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के पैरा नंबर 3 में जाओगे, तो उसमें पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इंटरनल ऑडिट जो है DAD करता है, जो स्टोर अकाउंट्स एयरफोर्स के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं ठीक है। तो 3 दोस्तों क्या है हमारे DAD के द्वारा काम हो गए, तो चौथा हमारा क्या है आंसर आ जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स ऑफ द CST। तो दोस्तों जो CSD से रिलेटेड जो बातें हैं, एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था CSD से रिलेटेड कि CSD के लिए चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है, CAA कौन है, तो हमारा डिफेंस सेक्रेटरी थे ठीक है। और दोस्तों OM1 के पैरा नंबर 2 के अंदर, दोस्तों OM1 के पैरा नंबर 2 चैप्टर 1 के अंदर, पैरा नंबर 2 के अंदर नोट 2 जो है वो पूरा CSD से संबंधित है ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों बताया गया डिफेंस सेक्रेटरी क्या है, हमारे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है ठीक है। जो फंड दोस्तों CSD को प्रोवाइड करवाया जाता है वो सिविल एस्टीमेट ऑफ MOD के द्वारा करवाया जाता है ठीक है। CGDA दोस्तों रेस्पॉन्सिबल है कुछ काम करने के लिए, फंड्स की प्रोविजनिंग करना ठीक है, मंथली स्टेटमेंट्स प्राप्त करना, रिसिप्ट एंड चार्जेस की, मंथली अकाउंट्स को कंपाइल करना राइट। और दोस्तों इसके अंदर जो लास्ट लाइन जो लिखी गई है, इंटरनल ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स ठीक है,
दोस्तों जो डीएडी डिपार्टमेंट जो है हमारा, जो हमारा डीएडी डिपार्टमेंट जो है वो जो सीएसडी से रिलेटेड जो इनके कमर्शियल अकाउंट हैं उनकी इंटरनल ऑडिट करता है, ना कि जो कमर्शियल अकाउंट जो हैं उनकी मेंटेनेंस करता है। ठीक है, तो यही फ़र्क है दोस्तों, कि थोड़ा सा अगर किसी को ध्यान में नहीं रहा तो ये क्वेश्चन वो गलत करके आ सकता था। ठीक है, और दोस्तों सीएसडी से संबंधित हमारा एक सीडीए है, सीडीए सीएसडी मुंबई के अंदर जो सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 31 का डी नंबर आंसर आ जाएगा हमारा। राइट, समझ में आ रही है दोस्तों बातें। आगे चलते हैं 32 नंबर सवाल पे दोस्तों चलते हैं अपने। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, तो अपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आगे पीछे। एक तो दोस्तों मैं आपको बी ऑप्शन बता देता हूँ, पीसीडीए ओ मेंटेन डीएसओपी अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड जो है वो कौन करवाई, ये कौन करता है, पीसीडीए ओ करता है। और दोस्तों पीसीडीए ओ की कौन करता है, लेजर विंग करती है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसमें सी नंबर है। ठीक है, सी नंबर दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, इसकी अथॉरिटी मैं आपको बता देता हूँ, पैरा नंबर जो 3 है आपका ओएमएन का, ओएमएन का दोस्तों पैरा नंबर 3 जो है चैप्टर 1 के अंदर जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है, द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एयरमैन ऑफ द एयरफोर्स आर मेंटेन्ड बाय द अफकाउ न्यू दिल्ली, पोस्ट ऑडिट डीएडी करता है। दोबारा सुनिए दोस्तों, जो एयरफोर्स से संबंधित पे अकाउंट्स हैं, एयरफोर्स के दोस्तों ऑफिसर्स और एयरमैन के जो पे अकाउंट्स से संबंधित चीज़ें हैं उनको मेंटेन करा जाता है अफकाउ के द्वारा, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट सेक्शन। ठीक है, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली के द्वारा, अफकाउ इसको बोलते हैं। ठीक है, AFCAO अफकाउ न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, और पोस्ट ऑडिट जो है दोस्तों हमारा DAD करता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या दोस्तों आंसर हो, जॉइंट CDA एयरफोर्स अंडर PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली मेंटेन्स द पे अकाउंट ऑफ IAF पर्सनल। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, सी नंबर आ जाएगा। अगला चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए दोस्तों वो सेम चीज़ें आ गई, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो जो मैंने आपको MOD की वेबसाइट के अंदर जो बिजनेस रूल्स दिखाए थे, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, उनके अंदर ये सारी बातें दी गई है। ठीक है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है दोस्तों फॉल्स अंडर DOD। ठीक है, तो ये दोस्तों गलत है, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है दोस्तों वो आपका DESW में आता है। ठीक है, DESW में आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो DESW के अंदर कहाँ पे केंद्रीय सैनिक बोर्ड है। राइट, तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने DESW डाउनलोड करते हैं अभी, DESW देखिए डाउनलोड हो गई। राइट, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ केंद्रीय सैनिक बोर्ड कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट एंड केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSP, तो ये कहाँ पर है अपना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया DESW के अंदर है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका किस में आ जाएगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है ये DESW में है। ठीक है, आपको करेक्ट देखनी है तो ये तो करेक्ट, इनकरेक्ट है ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, DEO falls under डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो दोस्तों कल मैंने बताया था आपको DEO जो है वो DDP के अंदर आता है, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, राइट, तो सी नंबर आपका गलत है, तो ये भी गलत, तो ये आपका आंसर नहीं है। कोस्ट गार्ड फॉल अंडर द DMA, तो ये दोस्तों गलत है आपका, कोस्ट गार्ड किसके अंदर आएगा, आपका DOD के अंदर आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, DGAQ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP के अंदर आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 33 का। 33 का दोस्तों कितना नंबर आंसर आ जाएगा, बी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, कि DGAQ जो है फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP के अंदर। राइट, आगे चलते दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो आगे देखते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू नॉट डिवॉल्व ऑन द DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। अब दोस्तों ये फिर वही चीज़ें आ गई। ठीक है, जो मैं बताया था आपको एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, अब दोस्तों DMA की जो PDF आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों सारी चीज़ें दी गई हैं। राइट, फिर भी दोस्तों अपने इसको वैसे ही अटैम्प्ट करके देखते हैं। तो प्रमोटिंग यूज़ ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज, इसको एक बार छोड़ते हैं। सी तो दोस्तों आपको कन्फर्म पता है कि DMA का ही काम है। ठीक है, एक बार ये भी मान लेते हैं, प्रमोटिंग यूज़ ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज। ठीक है, फिर दोस्तों आपको दो में कन्फ्यूज़न होगा। राइट, तो इसके अंदर दोस्तों आपको
जो अभी एलोकेशन और बिजनेस रूल जो है उसके अंदर जो डीएमए का जो डिपार्टमेंट का जो बताया गया है उसके अंदर आपको बताता हूँ, साफ साफ लाइनें दी गई है कि कौन सी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने डीएमए का डाउनलोड करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे डीएमए है। ठीक है, डीएमए है, अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, डीएमए का जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, डीएमए का जब पीडीएफ डाउनलोड अपनों ने कर लिया तो इसके अंदर ये साफ साफ दिया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें दी गई है। पहले तो देखिए आप, पहले तो ए नंबर जो ऑप्शन के अंदर बात थी वो ये दी गई, प्रमोशन प्रमोटिंग यूज़ ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज, कि जो सर्विसेज जो हैं वो इंडिजीनियसली जो इक्विपमेंट हुए हैं उनको प्रमोट करती है वो। ठीक है, उनका यूज़ करें। ठीक है, सर्विसेज जो हमारे देश के अंदर हुए हैं, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये बातें होगी जॉइंटनेस वगैरह। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर दोस्तों पाँच नंबर पॉइंट जो है ये आपका आंसर है, प्रोक्योरमेंट एक्सक्लूसिव टू द सर्विसेज एक्सेप्ट कैपिटल एक्विजिशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, कैपिटल एक्विजिशन से को छोड़कर प्रोक्योरमेंट का काम जो है वो ये देखती है, राइट। तो ये आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, जो कैपिटल एक्विजिशन को छोड़ के। अब वापस आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में देखिए, ओवरसीइंग कैपिटल एक्विजिशन जो है आपका आंसर आ गया। ये सारा काम जो है आपका डीएमए नहीं करता, बाकी सारे काम करता है, इंडिजीनियस करता है, जॉइंटनेस करता है, रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट भी करता है, कैपिटल एक्विजिशन नहीं करता। रेवेन्यू और कैपिटल का दोस्तों आपको मोटा मोटा मीनिंग पता है। ठीक है, बहुत अपनों ने अकाउंट कोड, ऑडिट कोड और इन किताबों में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इनको, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर पे। तो आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर पे, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, राइट। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तो ईजी, लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों जब ऐसे सवाल आते हैं तो ये फिर क्या है, हमें भूत जैसे लगते हैं, राइट। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं लेकिन है क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, राइट। तो मतलब गलत आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो पहला देखिए तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी एंटर्ड एट द टॉप ऑफ द लेटर। कोई भी दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस बोले तो कोई भी लेटर है। ठीक है, लेटरबाजी अपने करते रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, ऑफिसेज के अंदर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जैसे टू द PCDA या CGDA जो भी है, ये सेक्शन फिर नीचे सब्जेक्ट आता है, शुड बी एंटर्ड एट द टॉप ऑफ अ लेटर। ठीक है, तो दोस्तों क्या टॉप साइड में ही होता है वो, राइट। लेकिन दोस्तों टॉप में मान लो हमें नहीं लगे, फिर भी दोस्तों इसको टॉप ही बोला जाता है, राइट। तो ये अथॉरिटी जो है आपको मैं बताता हूँ, विद अथॉरिटी अपने चार ऑप्शन की बात करेंगे इसमें। तो ये जो अथॉरिटी है दोस्तों आपको ए नंबर की ये बताई गई है, 439 जो पैरा है ओ एम वन का दोस्तों पैरा नंबर 439 जब जाओगे तो उसमें साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी एंटर्ड एट द टॉप ऑफ द लेटर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा कॉरेस्पॉन्डेंस का वो लेटर के टॉप में आएगा। ठीक है, सी और डी जो है दोस्तों ये दोनों बातें जो है 442 नंबर पैरा में दी गई है OM1 के। ठीक है, लेटर्स शुड बियर डेट ऑफ डिस्पैच नॉट द ड्राफ्ट। मान लो दोस्तों कोई भी लेटर आ गया आपके पास, ठीक है, तो आपके दोस्तों ऑफिसर ने क्या बोल दिया कि इसका रिप्लाई बना के लाओ, तो आपने दोस्तों क्या लेटर को ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर जो डेट होगी वो तो उसी तभी होगी ना जब ऑफिसर साइन कर देगा और जिस दिन उसको डिस्पैच करोगे। ऐसा तो नहीं है आपको मान लो 3 तारीख को लेटर दिया, आपने ड्राफ्ट बना के रख लिया तो उसके अंदर 3 की डेट होगी, तो ऑफिसर दोस्तों आप मान लो 3 की डेट लिख भी दोगे उसमें, ठीक है, तो उसको काट के दोस्तों क्या है जिस डेट को डिस्पैच होगा, जिस डेट को फाइनल होगा उस पर वो ऑफिसर क्या है वो काट के उसको साइन कर देगा। ठीक है, 5 या 6 जो भी उसको करना होगा, राइट। तो पहला दोस्तों जो था वो था 439, ये दोस्तों 442 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, 442 के अंदर दोस्तों क्या ये बात लिखी गई है कि ये होनी चाहिए डी ऑप्शन, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी नंबर, वेयर डिस्पोजल ऑफ लेटर इज लाइकली टू बी डिलेड इंटरिम रिप्लाई शुड बी सेंट विद इन अ वीक। ठीक है, ये भी दोस्तों 442 नंबर पैरा के अंदर दिया गया है कि अगर डिस्पोजल किसी लेटर का करना है, ठीक है, और उसमें डिले हो सकता है तो क्या एक इंटरिम रिप्लाई बीच में भेज दो। ठीक है, मतलब बीच में इंटरिम मतलब क्या है, टेम्परेरी रूप से क्या है वो भेज दो। इंटरिम दोस्तों गवर्नमेंट सुनी होगी आपने, ठीक, अंतरिम सरकार जिसको बोलते हैं, राइट। तो ए सी डी और सी सही है, तो मतलब बी मेरा गलत है तो गलत ही मुझे चुनना था कि डज नॉट डिस्क्राइब द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर।
प्रोसीजर, राइट। तो बी नंबर भी अपने देख लेते हैं। बी नंबर की दोस्तों अथॉरिटी बता देता हूँ, पैरा नंबर 440 जो है आपका ओएमएन का 440 नंबर, उसके अंदर रिमाइंडर से संबंधित दोस्तों बातें दी गई है। तो इसमें क्या लिखा है, रिमाइंडर मस्ट मेंशन नंबर एंड डेट ऑफ द लेटर टू विच अटेंशन इज ड्रॉन एंड नीड नॉट मेंशन द सब्जेक्ट। रिमाइंडर के अंदर क्या मेंशन होना चाहिए, नंबर एंड डेट ऑफ द लेटर, ठीक है, नंबर लेटर का नंबर और डेट मेंशन होना चाहिए जिस पे अटेंशन आपकी जानी है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना। लेकिन दोस्तों क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। जब भी आप रिमाइंडर इशू करते हो तो पैरा नंबर 2440 के अंदर साफ साफ लिखा गया है, रिमाइंडर शुड स्टेट द सब्जेक्ट। रिमाइंडर के अंदर दोस्तों क्या है, आपको सब्जेक्ट देना है, ठीक है, नॉट मेयरली द नंबर एंड डेट ऑफ द लेटर टू विच अटेंशन इज ड्रॉन, राइट। तो इसका दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें क्या उल्टा दिया गया है, अटेंशन क्या है आपकी सब्जेक्ट पे जानी चाहिए रिमाइंडर के अंदर, ना कि डेट और उसके नंबर पर, राइट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा 35 का, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ठीक है। अब ये भी दोस्तों क्या है, सेम OM1 का क्वेश्चन है, जिसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों पूछी है। तो सिंपल अपने बेसिक बात करें तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन से अपने देखते हैं, फैमिली डिटेल्स शुड बी पेस्टेड ऑन द सर्विस बुक। दुनिया को पता है दोस्तों फैमिली डिटेल्स तो आती है, फिर भी आपको अथॉरिटी जाननी है तो ये किताब के अंदर पैरा नंबर 479 में आप जाओगे तो आपको इसकी अथॉरिटी मिल जाएगी, राइट। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सी नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक कैन बी चेंज ओनली इफ द इंडिविजुअल अप्लाइज थ्रू प्रॉपर चैनल। अब दोस्तों इसके अंदर सर्विस बुक में जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने से रिलेटेड क्या है, कुछ प्रावधान है कि इसमें करा जा सकता है डेट ऑफ बर्थ में चेंज अगर ऐसा प्रूव होता है कि वो क्लरिकल मिस्टेक के द्वारा वो गलत एंटर हो गई है, क्लरिकल मिस्टेक के द्वारा ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है। तो उसको चेंज करा जा सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल अपने जाके। तो सी नंबर स्टेटमेंट भी क्या सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट पहचाननी है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक। गलत स्टेटमेंट अपने, इन द केस ऑफ ट्रांसफर द सर्विस बुक शुड बी ब्रॉट अप टू डेट एंड गॉट डेटेड बाय द LO। एकदम सही बात है दोस्तों, मान लो आपका एक कमांड से दूसरी कमांड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो आपकी क्या दोस्तों सर्विस बुक की एक कमांड से दूसरी कमांड में जाएगी। मान लो सदर्न कमांड से साउथ वेस्टर्न कमांड में हो गया, साउथ वेस्टर्न से दोस्तों नॉर्दर्न कमांड में हो गया, तो आपको क्या है सर्विस बुक को ऑडिट करवा के LO के द्वारा उसको अप टू डेट करवा के आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो अपना डी भी सही है लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा। ए नंबर देखते हैं दोस्तों, एंट्रीज इन द सर्विस बुक विल बी गॉट टेस्टेड बाय द इंडिविजुअल कंसर्न्ड एवरी 2 ईयर्स, राइट। तो अब दोस्तों इसकी अथॉरिटी मैंने बता दी, बी की 479 थी, सी नंबर की दोस्तों 473 के अंदर ये बात दी गई है, और डी की अथॉरिटी दोस्तों कितनी है, 472 की, ठीक है। ये 479, 473 और 472, तो ये दोस्तों क्या है, तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। तो ये आंसर नहीं होगा तो आंसर कितना होगा, एक होगा। इसकी अथॉरिटी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, पैरा नंबर 479 के अंदर एक GIO दिया गया है, अंडर GIO, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, 1 ईयर है, एंट्रीज इन द सर्विस बुक विल बी गॉट टेस्टेड बाय द इंडिविजुअल कंसर्न्ड एवरी 1 ईयर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, इनकरेक्ट आपको मैंने बता दी, राइट। फिर भी दोस्तों क्या है, ऑफिशियल की से हमारे कुछ आंसर जो है वेरी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जब वो ऑफिशियल की आएगी तो आपको इसको एक बार और चेक करना है, राइट, कि हमने क्या सही अटेम्प्ट करे हैं या नहीं करे। फिर भी दोस्तों विद अथॉरिटी में सारी बातें कर रहा हूँ, फिर भी क्या 2-4 सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको आ जाए, राइट। इसमें देखते हो दोस्तों 37 क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या आपको बोनस मिला है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ही क्या है, सही हैं, OM पार्ट 2 CDR मेरिट और PCDBR, और ऐसा कोई क्या है ऑप्शन दिया नहीं हुआ, राइट। डिफेंस अकाउंट कोड को दोस्तों कौन करता है, सदन कमांड करती है, PCD सदन कमांड। तो आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो OM11 है इसको कौन करता है, राइट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों 38 नंबर सवाल पे, अगला देखते हैं दोस्तों अपने 38 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, राइट। तो पहला देखते हैं, पार्ट वन ऑफिस ऑर्डर रिलेट्स टू द प्रोसीजर एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑफिस। एकदम सही बात है दोस्तों, पैरा नंबर 491 जो है OM1 का, उसमें जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, एकदम सही है। अपने इनकरेक्ट पे जानिए तो मतलब अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा, पार्ट टू ऑफिस ऑर्डर रिलेट टू पर्सनल मैटर्स, दुनिया को पता है सबको, ठीक है, बच्चे को पता है ये तो बात। 491 के दोस्तों, 491 के OM1 के अंदर ये बात दी गई है, पार्ट टू ऑफिस ऑर्डर जो है आपका पर्सनल किसी का होता है, ठीक है, किसी का छुट्टी का है, किसी का मेडिकल का है, वगैरह वगैरह, ट्रांसफर पोस्टिंग सबका, इंडिविजुअल बंदे से रिलेट करता है। डी नंबर पे चलते दोस्तों, MNB जो है मास्टर नोटबुक इज मेंटेन्ड इन ईच सेक्शन, राइट, नोटिंग द ऑर्डर्स एंड डिसीजंस अफेक्टिंग द
वर्क डेल्ट विद इन द सेक्शन, तो एमएन भी दोस्तों क्या है, यही सारा काम करती है। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, इसकी अथॉरिटी मैं आपको बता दूँ 494 OM1 का, राइट। तो दोस्तों ए बी और डी आपका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स आर इशूड फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑफिस बाय द CDA, अनुदेशात्मक आदेशों को कार्यालय द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, CDA का कोई भी नाम नहीं है। पैरा नंबर 400 492 जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर्स गिवन बाय द ऑफिसर जनरल इंचार्ज ऑफ द सेक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दोस्तों क्या है, CDA के द्वारा ना दिए जाके जो जनरल इंचार्ज ऑफिसर होता है, ऑफिसर जनरल इंचार्ज होता है किसी भी सेक्शन का, उसके द्वारा दिए जाते हैं रिलेटिंग टू द डिटेल्ड वर्क ऑफ द सेक्शन, ठीक है। CDA का दोस्तों इसमें कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने अथॉरिटी बता दी दोस्तों चारों की, एक बार फिर बता देता हूँ, ए की है 491, बी की है 491, ठीक है, बेसिक सी बातें तो पता ही होगा। डी की दोस्तों के 494 के अंदर है और सी का जो है आपका 492 के अंदर ये बात लिखी गई है कि सेक्शन का इंचार्ज देता है इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, ना कि CDA, ठीक है। 39 पे अपने चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इंडक्टेड इन टू द इंडियन आर्मड फोर्सेज। दोस्तों राफेल का नाम सबने सुना है, तेजस का नाम सबने सुना है, दो ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये तो अपने क्या है इंडियन आर्मड फोर्सेज यूज़ करती होगी इनको। लेकिन दोस्तों बी और सी में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसमें दोस्तों क्या जो सुपर हॉर्नेट जो है इसको यूज़ नहीं करती है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। ये भी दोस्तों क्या गूगल करके आपको देखना पड़ेगा या फिर MOD की रिपोर्ट्स वगैरह के अंदर, डिफेंस की जो करंट न्यूज़ वगैरह जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें चलती है। ये आ गया आपका एक बेसिक सा सवाल। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल भी ऐसा ही है जनरल नॉलेज से संबंधित, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर कितना है, UP और तमिलनाडु, 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 इज करेक्ट, UP और तमिलनाडु क्या है इसके सही आंसर है। ये भी दोस्तों क्या है आपका करंट अफेयर्स मान लो, डिफेंस का करंट अफेयर मान लो। अब देखिए दोस्तों 4 से 5 सवाल तो क्या है अभी तक आ चुके हैं 40 में से, जो करंट अफेयर से संबंधित है डिफेंस के, इसलिए आपको पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर से संबंधित भी क्या चीज़ें आपको डिफेंस से आपको याद रखनी है, राइट। अगला चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, CCA रूल्स 1965 शैल नॉट अप्लाई टू, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। पहला दोस्तों सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज, तो इनके ऊपर तो दोस्तों अप्लाई होते हैं ये, ठीक है। और ये दोस्तों आपको क्या CCA रूल्स रूल नंबर 3 के अंदर ये सारी बातें जो है लाइन टू लाइन दी गई है, मतलब सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज के, उनके ऊपर क्या है ये लागू होते हैं। पर्सन ऑफ द कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इन पे नहीं होते, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ नोटिस इनके ऊपर नहीं होते, और दोस्तों कोई भी रेलवे सर्वेंट जो है इनके ऊपर लागू नहीं होंगे, डिफाइंड इन रूल 102 ऑफ द वॉल्यूम 1 ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है, ठीक है, मतलब सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों हो गए हमारे 41 वीडियो, दोस्तों लगभग 40 मिनट के करीब हो चुकी है और टाइम भी लगभग 11:02 हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको मुझे एडिट करने में अभी अपलोड करने में लगभग 12:30 बज जाएंगे, राइट। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ मैं, बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।